बहुत ही प्यारा जो ये ग्लिटर आई मेकअप है जो आपको नजर आ रहा होगा, और मैंने बहुत ही इजी वे में किया है। और ये जी बहुत ही खूबसूरत सा विंक आईलाइनर बहुत ही इजी वे में लगाना सिखाया मैं। मसाज कपल शादी करने लगी मैं। पापा शादी नहीं करेंगे मुझसे, शादी बार बार एक ही से शादी करो, है ना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं नताशा वकास। तो मेरी सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट थी कि आप रेड ड्रेस के ऊपर बहुत ही अच्छे से मेकअप लुक सिखा दें बीबी क्रीम से, जो कि सिंपल भी हो, इजी भी हो और थोड़ा सा स्टाइलिश और ग्लैम में भी चला जाए एंड में। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट के बगैर। सो ड्रेस तो मैंने अभी नहीं पहना है, लेकिन दुपट्टा मैंने पहन लिया ताकि हमें पता हो कि हम ड्रेस पे मेकअप कर रहे हैं। सबसे पहले आई लेंस जब आप एप्लीकेटर से लगाते हो तो इरिटेट नहीं करते बिल्कुल। आंखें छोटी छोटी है मेरी जैसी, तो लेंस लगाने से आईज थोड़ी ओपन ओपन और बड़ी बड़ी लगती है। तो एक आंख में लग गया है लेंस, दूसरे में भी लेंस लगाते हैं। सो लेंस मेरे अप्लाई हो गए हैं, लेकिन ना मेरे फेस पे हुई है डिहाइड्रेशन, तो मैं अपने फेस पर रोज वाटर का स्प्रे कर रही हूँ और उसके ऊपर लगाएंगे हाइलूरोनिक एसिड सीरम है FW ऑर्गेनिक का। इसके प्राइजेस काफी कम है, आपकी स्किन के ऊपर जो है वो एजिंग आने नहीं देता, डिहाइड्रेशन होने नहीं देता स्किन के ऊपर। और स्पेशली अगर आप इसको लगाते हो ना मेकअप से पहले या बेस बनाने से पहले, तो इसके बहुत ही आला जो है आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। इसको लगा के अच्छे से जो है वो ब्लेंड कर लें इस तरीके। देखा आप हाइलूरोनिक और जो हमने रोज वाटर लगाया था कितने अच्छे से अब्सॉर्ब हो गया, और आपको स्किन में ना वाज़ेह डिफरेंस नजर आ रहा होगा कि स्किन बहुत ही सॉफ्ट हो गई है। अभी मैं लगाने लगी हूँ बीबी क्रीम जो है वो FW ऑर्गेनिक की है शेड, इसका मैं यूज कर रही हूँ आइवरी। इसमें दो शेड आते हैं आइवरी और नेचुरल, आप दोनों में से जो आपकी स्किन पे सूट करता है आप कर सकते हो यूज। आइवरी जो है वो येलोइश और पेल में आपको नजर आ रहा होगा और थोड़ा सा मेरी स्किन पे लाइटर है, लेकिन प्यारा लगता है क्योंकि बीबी क्रीम आपको पता है ऐसे टिंटेड ग्लो बीबी क्रीम है, और बीबी क्रीम लगाते भी इसलिए कि फाउंडेशन स्किन खराब कर देता है, पोर्स को क्लॉग कर देता है। इससे जो बीबी क्रीम है वो इनफ होती है, लेकिन इसको लगाने का एक तरीका होता है। अच्छा, मैंने क्योंकि इसी से जो है वो अपनी आईब्रोज को भी हाईलाइट करना है, तो थोड़ा सा अमाउंट मैंने और लिया है, ठीक है, आईज पे लगाने के लिए ऐसे न्यू और यहाँ आईब्रोज के ऊपर। अब इसको हमने लगाना कैसे, बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं अभी बीबी क्रीम लगाई है फील ही नहीं हो रही कि कुछ लगाया हो, तो बीबी क्रीम इसीलिए होती है। लेकिन इसको जो है ना आपने यूज करना है, ब्लेंड कैसे करना है वो तरीका आपका जो है वो मैटर करता है कि आप बीबी क्रीम को लगा कैसे रहे। देखो मैंने इसको फैला लिया अच्छे से फिंगर से ही अपनी, आप देख रहे हो क्योंकि स्किन जो है वो प्रेप थी ना, तो बीबी क्रीम अच्छे से कर गई है। सो बीबी क्रीम को ऐसे स्प्रेड किया आपने आई के ऊपर, आई के नीचे, आईब्रोज जहां पे हाईलाइट करनी वाली जगह पे, आपकी आईब्रोज अगर वो फिल करने वाली आप फिल कर लें उसको, ठीक है। अब इसको हम छोड़ेंगे सिर्फ और सिर्फ एक मिनट या कुछ सेकंड्स के लिए, ताकि ये थोड़ा सा ना स्किन के ऊपर फिक्स हो जाए। उसके बाद जो है वो इसकी ब्लेंडिंग करनी है, फौरन से ब्लेंडिंग नहीं करनी। स्पंज ले लिया, उसको अच्छे से जो आपने निचोड़ लिया स्पंज को। अब जो है हम बीबी क्रीम को ब्लेंड करेंगे। अब आप देख लो कितनी आउट क्लास जो है इसकी ब्लेंडिंग हो रही है और कितने क्लास के जो है इसके रिजल्ट आपको नजर आ रहे होंगे। सो ये देखो कितना प्यारी जो है वो बीबी क्रीम ब्लेंड हुई है। आप आइस के ऊपर देखो, आइस के नीचे देखो, ये देखो कितनी प्यारी इसकी ब्लेंडिंग है, कहीं से फील भी नहीं हो रहा कि हमने कुछ लगाया हुआ। टेक्निक क्या है, आपने इसको प्रेस करना है, वो भी बहुत सॉफ्टली, बहुत ही सॉफ्टली। अगर आप ऐसे करके ब्लेंड कर रहे हो ना यूं तो आपने हवा में जैसे चलाते हैं ना स्पंज हवा में, बस ऐसे देखिए हल्का सा टच हो ऐसे, आपको ना सिर्फ ना ब्लेंडिंग की टेक्निक आनी चाहिए। देखिए मैंने आई के अराउंड सारे में इसको ब्लेंड किया, फॉरहेड के ऊपर आप कहीं से झांकती हुई नजर नहीं आएगी, अच्छे से ब्लेंड हो गई। इसके बावजूद भी अगर किसी की जो बेबी क्रीम है या फाउंडेशन ठहरता नहीं, आप ऊपर लूज फेस पाउडर लगाओ उसी गीले स्पंज से जिससे आप अपनी बेस बनाइए, ठीक है, ये ऑप्शनल है। अगर आप लगाना चाहते हो और आप चाह रहे हो कि आपकी जो बेस है वो लॉन्ग टर्म रहे, तो जहां जहां पे क्रीज करती है, ये गीला स्पंज है हमारा, जहां जहां पे क्रीज करती है हम वहां वहां पे लगा लेंगे गीले स्पंज से। ऐसे आई के नीचे लगा लिया, और मैं तो अपनी जॉ लाइन शार्प करने के लिए यहाँ पे लगाती हूँ हमेशा ऐसे ही हूँ। और दूसरा, अगर आपकी लिपस्टिक नहीं ठहरती है मैं लगाना उतना अच्छा। अच्छा, जो स्पंज के अंदर रह गया है लूज पाउडर फॉरहेड पे लगाया और आई के ऊपर, क्योंकि आई पे हमने बीबी क्रीम लगाई है, आई बेस नहीं लगाई, तो आई का जो कुछ भी लगाएंगे वो क्रीज कर जाएगा, ठीक है। सो मैंने कपड़े चेंज कर लिए, देखिए मैं साफ करके आ गई, जो होंठों पे लिपस्टिक लगी हुई थी ऑलरेडी। अच्छा, टिंट जो है ना एकदम से ना लगाया करें, हल्का हल्का लगाया करें। मैं सारी चीजों के लिंक वगैरह सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, टिंट FW ऑर्गेनिक का, FW ऑर्गेनिक का रोज वाटर, हाइलूरोनिक एसिड सीरम और जिन की बीबी क्रीम है उन सबका। अच्छा, अब मैं चीक्स पे लगाऊंगी, लेकिन हाथ की बैक साइड पे लेके जितना चाहिए होगा। लगाएंगे आई के ऊपर, ठीक है, हाथ पर निकाला और इसी के ऊपर मैं आपको ग्लिटर लगा के दिखाऊंगी, इतने प्यारे लगेंगे ना। ये देखें हाथ पर निकाला और उसके बाद जो इसको आपने ब्लेंड कर लिया है यहाँ पर और आई के नीचे
सिर्फ इस कॉर्नर पे, इससे आईज जो है आपकी खुली खुली लगती है। तो देखिए फाउंडेशन वगैरह मैंने पाउडर हटा लिया। अच्छा, अगर आपको लग रहा है टिंट थोड़ा सा ज्यादा हो गया, आप इसको इस तरीके से करके, क्योंकि इसमें ऑलरेडी लगा हुआ होता है ना ब्लश या कोई भी चीज, आप इस तरीके से ब्लेंड कर सकते हो। सो अभी मैंने सिर्फ मस्कारा लगाया और मस्कारा लगाने के बाद कुछ इस तरीके का लग रहा है फेस। देखें, ये वाला मस्कारा यूज किया है मैंने, ये देखें, ये इस तरीके से मैंने बस लगा लिया मस्कारा अपर लेश पे और लोअर लेश लाइन पे इस तरीके से, और कुछ नहीं लगाया, सिर्फ टिंट लगा हुआ है, ब्लश भी टिंट से लगाया है, आई को जो शेड लगाया वो भी टिंट से लगाया, और ये लग रहा है मेरा फेस। मैंने अभी हाइलाइटर यूज नहीं किया, मैं इसमें से हाइलाइटर ले रही हूँ, ये वाला, ये देखें, उसी स्पंज से लगा रही हूँ हाइलाइटर। ये नोज पे हाइलाइटर लगाया, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने ये मेकअप लुक किया था उसमें मैं हाइलाइटर लगाना भूल गई थी। ये हो गया हाइलाइटर, नोज पे हर जगह पे लग गया, ठीक है। जैसे मैंने इनर कॉर्नर के ऊपर जो है वो हाइलाइटर लगाया है, आप देखो कैसे एकदम से आईज के अंदर से लेंस, लोअर लेश लाइन सब कुछ जो है वो विजिबल हो गया हमारा। ये भी ग्लिटर लगाना चाहते हो आप तो ग्लिटर भी है मेरे पास, ये देखें, मैं इसके ऊपर इस तरीके से दरमियान में या किसी भी जगह पर टिंट के ऊपर ग्लिटर लगा लेती हूँ ताकि आपको नजर आ जाए कितना क्लास का लग रहा है। ये देखें, ग्लिटर जो है वो चिपकाने की जरूरत नहीं है, फिंगर से प्रेस करते ना, आजकल ऐसे ग्लिटर आया है फिंगर से ही लग जाते हैं। ये देखें, उसी टिंट के ऊपर लगाया मैंने, कोई नीचे बेस नहीं दिए, टिंट के ऊपर ही मैंने ग्लिटर लगा लिया। चेक करें कितना आला लग रहा है, वाओ। तो मैंने क्या किया है, मैंने ये रेड ज्वेलरी पहनी है, हेयर स्टाइल मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ था, बाल खोल लिए मैंने, तो मेरा टिंट है ना उसको अगेन डार्क करने लगी थोड़ा सा, यहाँ निकाला मैंने हाथ के ऊपर थोड़ा सा, और उसके बाद जो इसको हम डार्क करेंगे ऐसे, ये देखा कितना प्यारा जो है वो मेट फिनिश आ रहा है टिंट का, बहुत ही प्यारा लग रहा है, हमने बहुत ही प्यारी कोई लिपस्टिक लगाई हुई है। ये अच्छी बात ये है कि ये हटता नहीं है, आप जितना मर्जी खाना वगैरह खाओ। अब रेड ड्रेस के साथ ब्लश देखो कितना सेटल हो गया हमारा, और कितना प्यारा जो है वो हाईलाइट कर रहा है। लोअर लेश ना उसको अगेन मस्कारा से हाईलाइट करती हूँ, क्योंकि वो नजर नहीं आ रही बिल्कुल भी। ये अब हम लगाते हैं केट विंग लाइनर अपने लुक को जो है वो ग्लैमराइज करने के लिए। आप किसी शादी पे भी कर सकते हैं इस लुक को, आप देखिए कितना ईजी वे में जो है ये लाइनर लग गया है। अब बताएं मुझे कैसा लग रहा है मेकअप ओवरऑल, बहुत ही प्यारा जो है ये ग्लिटर आई मेकअप है जो आपको नजर आ रहा होगा, और मैंने बहुत इजी वे में किया है। विंग देखो, ग्लिटर देखो जो आई के ऊपर लगा हुआ है, बिल्कुल नेचर से लेश लगाई है। ये था मेरा ओवरऑल मेकअप लुक जो कि आप लोगों के सामने मैंने किया है बीबी क्रीम से, और देखें कितना प्यारा लग रहा है। इसको शादी पे भी करके जा सकती हूँ, और थोड़ी बहुत चीजें कम ज्यादा करके इसको हम ईद पे भी कर सकते हैं, मतलब शादीशुदा ईद पे भी प्यारा से तैयार हो सकते हैं। मेरे हस्बैंड को मेकअप बहुत ज्यादा पसंद है, और वो कहते हैं मेकअप किया करो, अभी नहीं करना तो फिर कब करना है, फिर जब बच्चों की शादी हो जाएंगे फिर मेकअप करना है, सो अभी उम्र है अभी मेकअप किया करो। सो देख लें कितना क्लास का मेकअप लग रहा है, और लग रहा है कोई हमने बीबी क्रीम से इतना प्यारा बीबी क्रीम और टिंट से इतना प्यारा ब्लश और लिपस्टिक और आई मेकअप किया होगा, नहीं लग रहा ना। सो मुझे बहुत ही कमाल लग रहा है, मेरी आईज मुझे इतनी हसीन लग रही है, ग्लिटर और ये जो हमारा विंग लाइनर है बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत ज्यादा खूबसूरत। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, बीबी क्रीम का, टिंट का, रोज वाटर का, हाइलुरोनिक एसिड सीरम का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहां से जाकर बाय कर सकते हो। मैं कैसे लग रही थी वीडियो, कैसे लग रही थी, हेयर स्टाइल कैसा लगा था, सब कुछ बताना मुझे कॉमेंट बॉक्स में, आप लोगों को रिप्लाई करूंगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।